हाय ऑल, हाउ आर यू? सो आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे. और आज का जो ये व्लॉग है, दैट इज आवर ट्रिप टू शिमला. सो बहुत टाइम बाद, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद पहली बार हम लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए होंगे. सो दिल्ली से बाहर हम लोग पहली बार गए. सो आई वेंट टू माय मॉम्स प्लेस, दैट्स इन चंडीगढ़. और उसके बाद हम लोगों ने शिमला जाने का प्लान किया. सो हम वीकडेज पे गए थे बिकॉज वीकडेज पे भीड़ कम होती है, वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था. बट वी प्रेफर टू गो ऑन वीकडेज, इसलिए हम निकले ट्यूसडे को. एंड आप रास्ता देख रहे हो कितना ज़्यादा ब्रॉड हो गया है. सो अब पूरे शिमला तक ऐसी ही रोड जाती है, ठीक है, 4 लेन रोड. और बहुत सारे छोले कुलचे वाले आपको रास्ते में दिखेंगे. पहले भी होते थे लेकिन बहुत कम होते थे, बट अब तो आफ्टर एवरी 200 or 250 मीटर्स आपको एक स्टॉल ज़रूर मिल जाता है. सो हमने भी खड़े होकर उसका लुफ्त उठाया और पहुंच गए हम शिमला. हमने होटल ध्रुव में रूम लिया था. एंड एज यूजुअल आपको कहा जाता है कि बस यहाँ से 500 मीटर दूर मॉल रोड है, पर अब प्लेन में रहने वाले लोगों के लिए वो 500 मीटर चलना भी इतना इजी नहीं होता है. सो जब आप शिमला में होटल लें तो डिस्टेंस और मॉल रोड कितनी दूर है वो ज़रूर देख लें. बट द व्यू फ्रॉम द रूम वॉज ऑसम, एज यू कैन सी. सो ये रूम की विंडो से व्यू था एंड ये देखते ही रूम बिल्कुल पसंद आ गया. मेरे लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि जब हम किसी भी होटल में रुकते हैं, द फर्स्ट थिंग आई चेक इज़ द वॉशरूम. तो रूम तो जैसा भी हो बट वॉशरूम ज़रूर बहुत अच्छा होना चाहिए. सो दैट इज़ वन ऑफ द प्री रिक्वेस्टी टू हैव यू नो सिलेक्शन फॉर अ रूम. सो इट वॉज़ गुड होटल, ध्रुव नया होटल है बट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था इनफैक्ट. एंड शाम को हमने सोचा कि चलो मॉल रोड की चढ़ाई चढ़ी जाए. सो दीपक और कबीर तो पहुँच चुके हैं बहुत पहले. अब आरव और मैं धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, यहाँ से चढ़ते चढ़ते पहुँचेंगे मॉल रोड पे. सो जो टाइम दीपक और कबीर को शायद 15 मिनट्स लगा वहाँ पहुँचने में, आरव और मुझे बस 1 घंटा लगा, क्योंकि आरव को बिल्कुल भी चलने की आदत नहीं है और स्पेसिफिकली हाइट पे तो बिल्कुल भी नहीं. सो एनी हाउ चलते चलते हम इंजॉय करते गए रास्ते को. पूरी साइड पे बहुत सारी शॉप्स हैं बट थोड़ी स्टीप चढ़ाई है. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टीप नहीं है, पर वो जो ऊपर रैंप है, इससे पहले जो हम चढ़ के आए हैं वो ऐसे स्टीप चढ़ाई थी. सो ठीक है, था चाहे सिर्फ 500 मीटर लेकिन वो चढ़ना भी मायने रखता है. एंड फाइनली वी रीच्ड ओवर हियर, दिस इज़ कॉल्ड रिज. तो मॉल रोड अपने आप में बहुत बड़ी है, पर दिस स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपका चर्च है इसको रिज कहते हैं. सो यहाँ पे सब लोग आराम से बैठते हैं, घूमते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं. इसका हर टाइम का अपना व्यू है. आफ्टरनून में अलग चमकता है, शाम को अलग व्यू आता है, और रात का व्यू तो आप देख ही रहे हो, इट्स अमेजिंग. एंड वीकडेज पे भी थोड़ा क्राउडेड था बट वी टुक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम कर सकते थे. वी अवॉइडेड टू ईट आउट, सो हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर बफे लिया हुआ था. ऑल्दो आरव इज़ अ बिग फैन ऑफ डोमिनोज, तो येस, डोमिनोज के बाहर लाइन लगती थी ऐसे जैसे आप देख रहे हो. सो यहाँ लाइन में खड़े होके यू हैव टू गेट द पिज़्ज़ा बिकॉज दैट वॉज द ओनली थिंग. सो आर अ वेटिंग हेयर फॉर द पिज़्ज़ा, सिटिंग एंड वेटिंग हेयर. सो उसको यही खाना था, बाकी हम लोग तो प्रेफर करते थे कि बाहर से ज़्यादा ना खाया जाए बिकॉज ऑफ द क्राउड. एंड या सो इट वॉज फन टाइम, फैमिली गेट अवे था. सो हमारा मेन पर्पज़ सिर्फ रिलैक्स करना था. एंड मैं अन अकेडमी की क्लासेज ऑब्वियसली यहाँ पर भी ले रही थी. सो दिन में 3 क्लासेस मेरी होती थी और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग शेड्यूल करते थे कि बाहर कैसे जाना है ताकि क्लास के टाइम पे वापस आया जाए. सो ये रात का टाइम है, रात को आराम से बैठ के चिल करते हैं. एंड देन वी केम बैक टू आवर रूम. एंड हमने 3 दिन बिल्कुल ऐसे ही निकाले. हम रोज़ शाम को चले जाते थे मॉल रोड पे और फिर वहाँ पे बैठ के आराम से चिल करते थे और फिर रात को अपना वापस आ जाते थे. एंड दिस व्यू जो आप अभी देख रहे हो, दिस इज़ फ्रॉम आवर होटल रूम. सो होटल का बेस्ट पार्ट यही था कि इतनी बड़ी विंडो थी और उस पर से जो व्यू आता था, मतलब आपके पास सिर्फ खिड़की पे बैठ जाओ सोफे पे और बाहर देखते रहो, इतनी शांति मिलती थी, मतलब मज़ा आ जाता था. एंड या दैट वॉज आर शिमला. एक दिन हम कुफरी गए थे, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कुफरी के भी कुछ सीन्स दिखाऊंगी. व्लॉग ज़्यादा डिटेल में नहीं बन सकते कबीर के साथ बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू हैंडल द कैमरा एंड द किड्स. तो फैमिली वेकेशंस ऐसे ही होती हैं, प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बना सकते, पर जो थोड़ी थोड़ी मोमेंट्स अपनी याददाश्त के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने सम अप की हैं. आई होप यू इन्जॉयड आर शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप टू शिमला. एंड दीज आर फ्यू पिक्चर्स, फ्यू ग्लिम्सेस फ्रॉम आर ट्रिप.
ज़्यादा पिक्चर्स भी क्लिक नहीं की, बट इट वॉज़ गुड, रिलैक्सिंग, मज़ेदार था। होपफुली कि कोविड जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाए, सिचुएशंस बेटर हो, ताकि हम वापस अपना ट्रैवलिंग एंड घूमना शुरू कर पाएँ, क्योंकि जब से हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं तब से बिल्कुल भी घूमना नहीं हुआ है। सो दिस वॉज आर फर्स्ट ट्रिप, बट वॉट मस्ट लाइक मच नीडेड। So we had a great time. I hope you had a great time watching it. So if yes, do click the like button and I'll see you soon in the next vlog. Take care. Bye bye.